सबको सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते और जय जगन्नाथ। मैं साहू भाई आज आपके लिए नए ब्लॉग के साथ आया हूं, जिसमें आपको मैं बाइक परचेज करने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो कुल मिला के बात मैं वारंटी के बारे में बात कर रहा हूं गाड़ी का और इंश्योरेंस के बारे में। तो आगे देखते हैं वीडियो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप अगर जानना चाहते हैं कुछ, और हम बहुत जल्दी मोटो ब्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन फ्यूचर अगर आप कभी इंश्योरेंस क्लेम करना पड़े तो आप कैसे इंश्योरेंस क्लेम करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ताकि आपको 2 से 3 बार शोरूम विजिट ना करना पड़े और आपका खर्चा थोड़ा बहुत बच सके। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा गाड़ी का जो RC चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए, लाइसेंस का होना चाहिए, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो आपको शोरूम में ही प्रोवाइड हो जाएगा वो आप शोरूम से कलेक्ट करना पड़ेगा, वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ पर्टिकुलर और आधार कार्ड ये होना चाहिए। अदरवाइज आप सिटीजन ऑफ इंडिया इसका प्रूफ देने के लिए कुछ भी पैन कार्ड वगैरह जो भी होगा चल जाएगा। आपको गाड़ी के RC और सर्टिफिकेट पर्टिकुलर में कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये है गाड़ी का RC, ठीक है। जब गाड़ी परचेज करते हो आपके पास एक RC कार्ड नहीं आता है तब ये काम करता है। आप जब इंश्योरेंस क्लेम करोगे इसका या वो कार्ड का कॉपी चाहिए, जेरॉक्स, ठीक है, दोनों का नहीं, किसी एक का हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। ये है RC पर्टिकुलर, आपको गाड़ी परचेज करते वक्त मिला होगा आपके सर्विस बुक के साथ, और ये शायद पिंक कलर या ग्रीन कलर वैसा कुछ होगा, और इसमें ऊपर लिखा गया होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्टिकुलर। ये हर गाड़ी के साथ आता है, हर गाड़ी में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ये चाहिए होता है, ठीक है। और ये है सर्टिफिकेट ऑफ जो इंस्पेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल, इंस्पेक्शन के लिए कंपनी की तरफ से कुछ लोग आएंगे उनके लिए ये फॉर्म चाहिए, और ये फॉर्म आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब शोरूम में जाकर आपको मिल जाएगा। जिस शोरूम में आप बाइक परचेज करते हैं या जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, ये शोरूम में आपको मिल जाएगा, आप इस शोरूम से ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। अब आते हैं गाड़ी के वारंटी की तरफ, किस किस चीज़ में आपको वारंटी मिलता है और किस किस चीज़ में आपको वारंटी नहीं मिलता है, बात करते हैं। ये रहा यामाहा की वो सर्विस बुक, हर एक बाइक के साथ एक सर्विस बुक आता है और उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता होता है कि किस किस चीज़ में वारंटी क्लेम होता है और किस किस चीज़ में क्या वारंटी क्लेम नहीं होता है। मैंने बाकी सर्विस बुक तो पढ़ा नहीं, मैं आगे कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए बाकी गाड़ी के वारंटी के क्लेम के बारे में, लेकिन मेरा तो यामाहा की है तो मैं यामाहा के बारे में बताऊँगा। तो सर्विस बुक में क्लियरली मेंशनड है किस किस चीज़ में आप वारंटी क्लेम कर सकते हो और किस किस चीज़ में वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो। पहले बताऊंगा कि आप वारंटी क्लेम का वैल्यू कब तक रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप यामाहा, मतलब जिस कंपनी का बाइक खरीदते हो उसके अंडर आप अगर सर्विस करवाते हो या उसी का चीज़ डालते हो तभी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, मतलब यामाहा में तो ये लिखा गया है, बाकी गाड़ियों के बारे में पता नहीं, लेकिन यामाहा सर्विस बुक में ये लिखा गया है कि आप परचेज के दो साल के अंदर आप वारंटी क्लेम कर सकते हो, या 30,000 किलोमीटर जो पहले आएगा। अगर आपका 30,000 किलोमीटर पहले आता है तो आपका 2 ईयर का कोई वैल्यू नहीं, अगर 2 ईयर आपको पहले आता है और 30,000 किलोमीटर नहीं चला है तो आपको 30,000 किलोमीटर का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। ये दोनों में से अंदर आपका गाड़ी में अगर कुछ भी ख़राब होता है तो वारंटी क्लेम होता है, लेकिन हर एक चीज़ में वारंटी क्लेम नहीं होता है। मैं आपको बता दूंगा किस किस पार्ट में आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप गाड़ी में भी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हो, नहीं क्लेम कर सकते हो लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं वारंटी का। आपको वारंटी में सबसे पहले बताऊँगा किस किस चीज़ में आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपके गाड़ी में वायरिंग का प्रॉब्लम आया है तो आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके ब्लूटूथ के वर्सन में अगर कोई प्रॉब्लम आया है आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते एनी वायरिंग पर, गाड़ी का हेडलाइट हुआ, बल्ब हुआ या कुछ भी मीटर कंसोल, उसमें आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। इसमें कंपनी आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं करती है, गाड़ी की किसी भी चीज़ पर आपको वारंटी नहीं मिलती है। और मैंने जब कंपनी से उनके टोल फ्री नंबर से बात किया था, बोल रहे थे कि आप सिर्फ इंजन में कुछ कुछ चीज़ में वारंटी पा सकते हो, लेकिन वो सही से कुछ बताया नहीं कि किस किस चीज़ में हम वारंटी क्लेम कर सकते हैं,
ठीक है। बाकी ये जो गाड़ी के पूरे बड्डी में आप किसी भी चीज़ में वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आप वायरिंग हुआ, हेडलाइट हुआ, या गाड़ी का जो भी ब्लूटूथ हुआ, या चार्जिंग के बारे में आप कहीं पे भी वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, ये सर्विस बुक में लिखा गया है। इलेक्ट्रिकल पार्ट हुआ, रबर गास्केट्स हुआ, जो भी ब्रेक शूज, रेसिंग रेस बियरिंग एलिमेंट, एयर क्लीनर, ये सब आप इसमें वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। और ये भी मेंशन कर दिया गया है कि अगर नेचुरली कोई प्रॉब्लम होता है, या ऐसे कुछ तूफान वगैरह आता है, उसमें अगर गाड़ी का कोई दिक्कत है, उसमें भी वारंटी क्लेम नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी में आप किस किस चीज़ में वारंटी क्लेम कर सकते हो, तो सर्विस बुक में ये लिखा गया है, आप सिर्फ 5 चीज़ में वारंटी क्लेम कर सकते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किस किस चीज़ में वारंटी क्लेम कर सकते हो, टायर्स में, ठीक है। जो प्रोप्राइटरी आइटम्स रहा, उस चीज़ में आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। प्रोप्राइटरी का मतलब किसी और कंपनी का, जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे आपका टायर मिल जाता है एमआरएफ कंपनी का है, लेकिन इसमें आपको वारंटी यामाहा देगा, ठीक है। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट ये होता है, तो ये सारे चीज़ में आपको वारंटी मिलेगा, ठीक है। जैसे टायर हुआ, ठीक है, फिर बैटरी हो गया, फिर स्पार्क प्लग हो गया, और हेलमेट हो गया, ठीक है। ये 4 चीज़ में आपको वारंटी मिलता है कंपनी के तरफ से, ठीक है। और ये चीज़ कभी ख़राब होते नहीं है, और ये छोटे मोटे काम से फिर सही हो जाता है। या सिर्फ ये 5 चीज़ों में वारंटी क्लेम कर सकते हो, बाकी और कोई चीज़ में वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने नियरेस्ट डीलर से बात कर सकते हैं, या यामाहा शोरूम विज़िट कर सकते हैं।